आती सुनती तो अखंडानंद खिलते, अर्जुन मिल गया तो कृष्ण खिले। ज्ञान तो कोई बिल्ले लेते, बाकी तो सुनते सुनाते संस्कार पर रहे काम करेंगे। हजार व्रत तप उपवास से जो पुण्य होता है उससे भी ज्यादा इस ज्ञान का आदर करने से पुण्य होता है। आश्चर्य श्रोता है, इसका सुनने वाला भी सब लोगों को मिलता भी नहीं, रुचि भी नहीं। कुशलो वक्ता, वक्ता भी बड़ा कुशल, उस ज्ञान को सुनाने वाला कोई हरे गरे का काम नहीं। पढ़ पढ़ा के बक्के तो अर्थ का अनर्थ कहीं ना कहीं कर रहे। पंडित और मसाल ची दोनों बुझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे में। गुरुमुख कोई विरला, गुरुमुख गुरु के संकेत को जीने वाला गुरु को उनको पछता। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्व महापुरुष संसंग ए तभी त्रयम बोला। सजातीय विचार के दो व्यक्ति भी मिल जाते तो वहाँ पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, और विजातीय व्यक्ति विजातीय विचार के लोग पूरे लाखों की तादाद में होते फिर भी परिणाम शून्य ऑपरेटर का हो। सजाती माना तत्व विचार, ईश्वर के सिवाय कहीं सतबुद्धि ना हो ऐसा पुरुष, ईश्वर के सिवाय कहीं मन ना लगे है। आप फिर ये ईश्वर की शरण समझ गया तो सब जगह मन, सब ईश्वर है। अब सब ईश्वर है तो फिर उसको ईश्वरी सुख पाने में देर नहीं है, लेकिन सब ईश्वर पक्का नहीं हुआ। सबके अच्छे बुराई जो संस्कार है वो मजबूत है, ईश्वरत्व के संस्कार खाली पड़े हैं, अभी वो संस्कार गहरे बीज पड़े, बीज पड़े हैं, अभी वो वृक्ष और फल फलित नहीं। और कोई मान लेते सब ईश्वर है, हमें तो साक्षात्कार। कुछ लोग बोलते रहे सब ईश्वर की शरण है और सब में ईश्वर है। महाराज बकरा खाने वाला भी ईश्वर और बकरे में भी ईश्वर, तो बकरा खा लिया तो क्या बड़ी बात, मछली खा ली तो क्या बड़ी बात, ये सब कर लिया तो क्या बड़ी बात है। अमावस्या को ये नहीं करे तो उनको ये न करे, ये फिर बंधन काय को। अब सब ईश्वर की शरण है, सब ईश्वर में है, सब ईश्वर की शरण है, ईश्वर में है। लेकिन तू सुख चाहता है कि मुसीबत चाहता है, सुख चाहता है तो सुख चाहता है तो मनुष्यत्व के नियम पालेगा तब ईश्वरत्व का सुख मिलेगा। ऐसे वह तो सब तो ईश्वर है, पहले नियम पाले न पाले सब ईश्वर है मान लिया, सब ईश्वर है मान लिया फिर बदनामी हो तो दुख नहीं होना चाहिए, बीमारी हो तो दुख नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, पुलिस पकड़े दंडे ठोके तभी भी ठोकने वाला भी ईश्वर है। चलो जो मन में आया करने लग गए, जो मन में आया करने लगे तो फिर जो परिणाम आए, जो मन में आया वो करने लगे तो सब ईश्वर है, तो परिणाम भी ईश्वर है, फिर नरक भी आया तो ईश्वर है, सजा देने वाला भी फिर जब ईश्वर है, सब ईश्वर की शरण है। ईश्वर इस प्रकार नरक के रूप में, सजा के रूप में, पिटाई बुटाई करने वाले के रूप में आ जाता है, लेकिन नहीं पहचानते तो उनसे घबराते हैं, भागते हैं। तो देखे क्या देखो, इधर भी टूटा है, इधर भी टूटा है। एक महात्मा थे, कोई हरामी है उनको डंडा मार दिया, तो बोले अच्छा यार तो डंडा मारने आया तो मार ले, तो
दूसरा मान रहे तो वो तो हरामी था, वो मार के चला गया, लेकिन महात्मा उसको हरामी क्यों माने? इतने में कोई दयालु पुरुष था, अरे बाबा बाबा आप तो हंस रहे, खून है खून। हाँ बोले खून है, अब तो उसको ठीक करना चाहता है। हाँ बोले हाँ महाराज, मेरे को तो बड़ा दुख होता है, चलो चलो। हाँ बोले चलो चलो, दुख होता है तो चलो चलो। कैसे ईश्वर की शरण पकड़ी। हरिद्वार बिल्केश्वर के तरफ जहाँ घाट वाले बाबा रहते थे, उधर की तरफ कोई महात्मा ने देखा नहीं, महात्मा को मेरा सुना हुआ है, मेरा अनुमान है उधर के हूँ। किसी ने वो भर्ती भर्ती कर दिया अस्पताल में, वो सेठ ने वो पाखा वाखा दिया, नर्स ने बड़ी सेवा की, और सर्जन भी बड़ा भगत, घर से दूध मंगवाया, हल्दी बल्दी डाली, खिलाई। बोले बाबा जी अब कैसे आराम है? ठीक है ना बाबा जी, किसने मारा आपको? बोले डंडा मार के बोलता है किसने मारा, बड़ा खेल करता है। तो सर्जन बोलता है महाराज मैंने तो टांके लगाए। अरे छोड़ तो छोड़ बाबा, मैंने टांके लगाए और तो मेरे को जो नहीं गया। किसको बता रहे तुम? बोले बाबा आपका दिमाग दिमाग ठीक है? हाँ। बोले तू ऐसे ही पूछ रहा। आपका दिमाग ठीक है, तुम जानता नहीं? बोले जानता हूँ मैं तो, सर्जन हूँ। बोले यार झूठ बोलते सर्जन है। अब महात्मा को तो तत्व दिखता है, वो बेचारा अपने को दे वाला मन। महात्मा तो अपने तत्व की मस्ती में मस्त होता है, कैसे हो तुमने? डंडा भी मारा, टांगे में भी बिठाया, टांगे में बिठाया, फिर इधर भी लाया, फिर सेवा भी की, अभी दूध भी पिलाता है, पूछता है क्या है तो सब जान रहता। पूछा है किसी को कितना पता है? सब जानता है, अपन जान बनता है, लेकिन मैं तेरे को जानता हूँ। अरे बोले महाराज मेरी तुम्हारी पहली बार मुलाकात है। बोले तू कहता रहे कुछ भी। तू कुछ भी बोलता रहे। दया माओ का दुनिया के अंदर आज संग त्याग करके स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहिए। जो कर्म करने से 24 घंटे में एक बार जो सत्संग है उसका त्याग हो जाता है, तो उस कर्म में से समय बचा ले, चाहे कोई संचालक हो चाहे कोई सेवादार। हाँ, जो लोग सेवा में कतराते हैं, कामचोर हैं, हरामखोर हैं, और फिर देखेंगे चलो सत्संग करनी है, सत्संग में बैठेंगे, और फिर दूसरा काम करने का होगा तो मारा लेके बैठेंगे, बोले हमारा सत्संग में कहेंगे आप नियम करते। तो बेईमान होगा, मनुष्य तो नहीं होगा, तो उसके पीछे डंडे लेके पड़ो। फिर भी वो अपने ढंग से करेगा, लेकिन जिसको सचमुच में मनुष्यत्व है वो तो सेवा भी कर लेगा, सत्संग भी कर लेगा, ध्यान भी कर लेगा, जप भी कर लेगा। महापुरुष है तो मनुष्य तो नहीं, कोई मनुष्य तो है तो महापुरुष नहीं, कोई मनुष्य तो महापुरुष भी है तो कोई मुमुक्ष तो नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं। माँ को छेकर देखा, मुखे कबो मुखे कबो मुखे, मुझे मन नहीं है, तो मुझे ही है, तो तीन एक साथ मिले। जो सत्ता वत्ता खेलते नंबर खेलते हैं, जो मशीन से खेलते हैं, जब तीन नंबर एक साथ मिलते तो उसको बहुत मिलता है, लेकिन तीन एक साथ नहीं मिलते। दो नंबर लगाओ तो एक के दस मिलेंगे सत्ते वाले, अट्ठे से पंजा, पंजे से डुबा। दो नंबर लगाओ तो एक के दस, एक के बीस होते होंगे, जो मटली वाले होते ना, पता है जिसे? हमने तो सब सुना है, लगाया नहीं लेकिन सुना है, सिर्फ करते मन अमन वाले भी दोनों मटली मटली। तो दो आंकड़े लगाओ तो एक के दस, लेकिन तीन